डियर स्टूडेंट ऑफ टेंस वी विल स्टार्ट टेंथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज फ्रॉम ए पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 फोर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ 24 है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर क्यू पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस 25 है रेडियस आपको फाइंड करनी है यहां पे देखिए ये रेडियस हमें फाइंड करनी है टेंजेंट की लेंथ जो पी क्यू टेंजेंट है ये क्या है 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यों क्यों डिस्टेंस की जो सेंटर से डिस्टेंस है क्यों पॉइंट की वो क्या है 25 सेंटीमीटर हमें ओपी रेडियस इसकी फाइंड करनी है इन ट्रगल पीओ क्यू पीओ क्यू तो यहां पे देखिए हाइपोटेनिस क्या है ओ क्यू स्केयर प्लस में सॉरीवल टू ओ क्यू हाइपोटेनिस इक्वल होगा ओपी स्केयर परपेंडिकुलर और ये बेस आपका पी केव स्केयर बाय पाइथागोस बाय पाइथागोस ओ केव आपका क्या है ट्वेंटी फाइव स्केयर ओपी स्केयर हमें फाइंड करना है और ये आपका क्या है ट्वेंटी फोर स्केयर ट्वेंटी फाइव स्केयर सिक्स ट्वेंटी फाइव ओपी फाइंड करना है फाइव सेवन सिक्स इधर आएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव में से फाइव सेवन सिक्स सब हो जाएगा ओपी स्केयर फोर्टी नाइन इज इक्वल टू ओपी स्केयर तो OP हम इसका निकालेंगे लेंगे फोर्टी नाइन पे स्केयर रूट सेवन सेंटीमीटर आ गई जो आपकी OP रेडियस है नाउ कम टू दी सेकेंड समिगर टेन पॉइंट वन वन इफ टीपी टी क्यू टू टेंजेंट है सर्कल की विद सेंटर ओ ंगल पीओ क्यू वन टेन है तो पीटी क्यू फाइंड करना है मैंने आपको पहले भी बताया था टेंजेंट क्या होती है टचिंग लाइन सर्कल के साथ जो टचिंग लाइन होती है पीटी और पी क्यू दोनों आपको पता है इक्वल है और दोनों जो रेडी के साथ टेंजेंट होती है नाइनटी डिग्री का एंगल बनाया करती है यहाँ पे देखिए एंगल ओ पी टी और ओ क्यू टी दोनों इक्वल होंगे नाइनटी डिग्री के एंगल बिटवीन रेडियो एंड टेंजेंट क्या होता है 90। ऑलवेज रिमेम्बर टेंजेंट और रेडियो के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री तो यहाँ पे देखिए पीओ क्यू हमें कितना गिवन है वन टेन ओ क्यू टी हमारा क्या है 90 क्यू टी क्यू टी पी आप इसको पीटी क्यू भी लिख सकते हो और ये भी क्या है आपका 90 इक्वल टू थ्री सिक्सटी इन तीनों का हम सम करेंगे तो क्या होगा आपका टू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी में से टू नाइन्टी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल पी टी क्या वो आपका क्या आ चुका है सेवनटी डिग्री वैसे भी जो क्वेडिलेटरल के यहाँ पे जो क्वेडिलेट्रल बना उनका सम वन एट्टी हुआ करता है ये वैसे भी क्या आ जाएगा सेवनटी डिग्री Now come to the third sum. If tangent PA, PB from point P to circle with center O inclined each other 80 degree, find POA. यहाँ पे देखिए PA, PB two tangent है, एक दूसरे के साथ 80 degree angle बना रही हैं। हमें angle क्या निकालना है POA. सबसे पहले हम इन दोनों triangle को congruent करते हैं. Angle A is equal to क्या है angle B. Angle A, angle AB के equal है each of 90 degree. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है रेडी है ये ट्रायंगल की सॉरी सर्कल की रेडी है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन है तो ट्रायंगल ओ ए पी इसके हमारे कॉन्ग्रोएंट हो गई अगर ये कांग्रोएंट हो गई तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया एंगल बी के यहाँ पे देखिए इनक्वेडीलेटर ए ओ बी पी में दोनों एंगल 90 है और पी एंगल आपका 80 है तो हमने एंगल ओ निकाल लिया हंड्रेड एंगल ओ को हम बोलेंगे ओ बी अब जो एंगल एओबी है उसमें क्या है एओपी और बी पी दोनों इक्वल है एओपी बी पी इक्वल है एंगल एओबी आपका हंड्रेड है इनको हम यहाँ पे यूज करेंगे एंगल एओबी किससे बना है एओपी प्लस बीओपी से और ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल एओबी को हम क्या लिख सकते हैं टू एंगल ओ पी किस टू एंगल पी हंड्रेड के इक्वल तो पी आपका क्या आ जाएगा फिफ्टी डिग्री